मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान मैजिकल जर्नी ऑफ 2M पे, और इसमें आर्टिस्ट है जिशान अली और स्टार शाह। तो सबसे पहले हम ये मैजिकल जर्नी देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टीवी चैनल नहीं सी एथे भी टीवी च वड़िया मैं जाके लाहौर। क्या बात है। मेरा जो शहर है ओकाड़ा बेसिकली ये एग्रीकल्चरल लैंड है के तीन बड़े बड़े दरिया जो हैं उनका गुजरना है मेरे शहर से। साढ़े पंजाबियों का शहर है बेस्ट सिटी इन एवरी वे, और मैं फुली अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरा स्टेज है और ये जाना उसके बाद ऑडियंस शुरू हो, और यहाँ मैं इतना खुल के गाता था मेरे बड़े गाने लिखे। कोई इक्का दुक्का बाइक को गाड़ी गुजरती थी और मैं यहाँ पर कितने साल चढ़ता हुआ सूरज देखा। जो मुझे सबसे मजेदार चीज लगती थी वो ये लगती थी कि जब यहाँ से गाता था ना हाई नोट पे और मुझे जीने दो, तो मैं कभी कभी देखता था मैं जब यहाँ पे गा रहा था तो मुझे वहां से बंदा रिस्पॉन्ड करता था कि यार कहीं आवाज आ रही है, तो उसको नजर आता था कि वहां पर गंदा बंदा को पागल खड़ा है और ये कुछ कर रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ये वो टाइम है जिस पे ये आर्गुमेंट आपके दिमाग में स्टार्ट होती है। सो इफ समबडी कैन यू नो इफ वांट्स टू थिंक अबाउट इट कि किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, करेक्ट हो सकती है, कोई दोस्त भी आपको समझा सकता है यार, मतलब याद नहीं सकते ऐसी प्यारी शायर, ऐसी प्यारी शायर, क्या क्या लाइन है वो, चाहत वाले मर नहीं सकते चाहत ऐसी प्यारी शायर, बहुत यार तो सट गए यार तो भाई, यानी ये तो राइटिंग पूरा गाना कल मिलेंगे ना इन दोनों से तो यू विल नो कि ये क्या लोग हैं यार। वो हमेशा गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब की और जगजीत सिंह साहब की गजलें सुनते थे। यार सजन कदी मोड़ मुहारा, तो वो मेरे कान में पड़ती रहती थी। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला म्यूज़िक ख़रीद के सुना, वो जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं जहाँ पर वो एक सीडी से 50,000 सीडियाँ कॉपी कर लेते थे, वो वाली सीडी थी और वो गुलाम अली साहब की थी। और मेरी एज इस वक्त 9-10 साल हो गई जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सीडी ख़रीदी थी, कि वो एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था वो उसके अंदर मैंने आके लगाई और मैं बस उनको सुनना और मैं उन्हें याद करने की कोशिश करता था हमेशा। उस वक्त तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन बनाने वाली चीज़ है, बस मुझे अच्छा लगता था वो सुनना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा म्यूज़िक को दे दिया हुआ है बहुत टाइम से। ये शहरी है, शहरी को तो जानते हैं। हाँ जी 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 मैं इनकी बॉडी से अल्लाह वैसे तो आई हर्ड यू अ लॉट ऑफ। जब मैं डे वन पे जैमिंग में गया था
मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इतने इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे कि मैं ऐसे बच्चों की तरह देख रहा हूँ. अच्छा ये लोग, आई वॉज एक्साइटेड, नर्वस नहीं था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इनको जानता हूँ और मैं इनके पास जाऊँगा ना मुझे प्यार करेंगे. चलो जी कह रहे हैं यार, मैं वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए. इतनी दफ़ा सुन लिया ना इस तरह प्ले बैक में, मैं इस महफिल में हूँ जिसमें मैंने ये लाइव सुन रहा हूँ. यही करो. अच्छा बजा. एक दिन जुल्फी भाई ने मुझे कॉल की कि मैंने एक आर्टिस्ट ढूंढा है, तो यार तू सुन जरा. तो उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो प्ले की. एक लड़का खड़ा हुआ है और स्पीकर्स पे उसने जो छोटे स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं उस पे एक ट्रैक प्ले किया हुआ है और वो लाइव उसके साथ गा रहा है. क्या बात है? ट्रैक खत्म हो गया. हम दोनों ऐसे बैठे हुए चुप. ना मैं जुल्फी भाई को कुछ कह रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं एक तो फिर हाँ जी कर कुछ. मेरा ये प्रॉब्लम है जहाँ पर बात होगी ना, बात से मेरी मुराद ये है कि जब आप किसी चीज़ पे फलसफा बयान कर रहे होते हैं, मैं वहाँ पे बिक जाता हूँ. कौन बंदा है ये, कैसा बंदा है, इसकी थॉट क्या है, इसकी सोच क्या है, ये यू जस्ट यू नो, मुझे लगता है मैं कंज्यूम ब्यूटीफुली कंज्यूम हो गया उसकी दुनिया के. स्टार शाह, और ऑनेस्टली बात बताऊं, आई स्टिल हैवंट आस्क्ड हिज नेम कि वो उसका असली नाम है. व्हेन यू मूव इनटू द सोसाइटी तो आप देखते हैं ये चीजें कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी ज्यादा है, लोग धोखा ज़्यादा करते हैं, वो चाहे प्यार हो, लोगों की ज़ुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है. सारे गिले शिकवे और शिकायतें जो हैं ना एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को मुआशरे से, वो अपनी शिकायतें बयान कर रहा है. ते प्यार तो अलावा ओदे कोल कोई होर ना सामान सी, ते सच्चे आशिकां दे वास्ते ही रब ने बनाया जहान. एक बंदा है जो उसे बता रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, बट उसके साथ मोहब्बत प्यार ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों की एग्जिस्टेंस ही बैलेंस करती है इस दुनिया को. मेरा गाना मेरे लिरिक्स में जिशान भाई को जब ऐड किया गया है तो मुझे लगता है कि वो चार चांद कहते हैं, मेरे ख्याल में आठ चांद लग गए. दो डिफरेंट चीज़ें एक ही जगह पे कनेक्ट हो रही हैं. ऐसा ट्रैक बना रहे हैं कि आप लोग उससे रिलेट करेंगे और लोगों के उन फीलिंग्स की जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे. इस ट्रैक के साथ इसकी मेकिंग हो रही है अभी और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोगों को जो है ना तकलीफ होने. क्या बात है यार, सही कहा आपने, सेटिस्फाइंग. ठीक था पर आज सुबह है स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स. कितना रह गया है, कितना हो गया है, डिटेल है. ऐसी जगहों पे ये होता है जितना मर्जी करें काम में डिटेल. स्पॉट्स पता लग गए तुम लोग ने, सबने कहाँ कहाँ बैठना है. मेरा तो यही स्पॉट है. यही स्पॉट है, यही स्पॉट है, ये पूरी शॉप. वेलकम टू व्हाट्सएप इंजन. पिछला दरवाजा बंद होगा. हाँ जी. तो यार बंद करें तो ये कुछ मसला खत्म हो जाएगा सारा. कितना मुश्किल है यहाँ पे इतनी वायरिंग करना और सारी चीजें साउंड रूम तक लेके जाना. वी थॉट लास्ट ईयर पसूड़ी वाज डिफिकल्ट बट दिस वाज दिस इज लाइक द म्यूजिशियंस आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस दिस कंप्लीट 360 टाइप सिचुएशन.
big challenge. But we are almost there. मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को सेट कितनी आगे है। माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था कि सेट कितने आगे होएगा। आपने मुझे धोखा दिया, मजा आएगा रात में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी असली जगह जो कि पहले ख्याल में थी, सोच में थी, और अब वो एकदम से एग्जिस्ट करने लगी है। मेरा दिल कह रहा है मैं शिफ्ट हो जाऊं यहाँ पर। प्लीज दो घर लीजिएगा, मैंने भी ले लिया। पाँच साल पहले ये लिख रहा था धोखा अरबा से, और मैंने इसको सुनाया ऐसे ही। एक दिन हम मिल रहे थे किसी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उसको मैंने सुनाया और इसका हमसे पहली बात ये की कि और मोहब्बत की होंगी। और मैंने कहा कब लिखा है, कहा पाँच साल पहले। दो चीज़ें हो रही थी जो कि पाँच साल छः साल पहले हो रही थी, अलग अलग हो रही थी, अभी तक एक दूसरे को ये जानते भी नहीं, लेकिन कनेक्टेड थे। अब इससे प्यारी बात क्या होती है यार, फिर सबने दिल लगाया, दिमाग लगाया, कनेक्ट किया और ये दुनिया खड़ी। रियल तो रखा है, लेकिन हमने थोड़ा सा म्यूजिक और थोड़ा सा फैंटेसी सी भी लगे, वो मूनलाइट से हमने थोड़ी फैंटेसी सी क्रिएट की है। तो जब मुझे ज़ुल्फ़ी भाई ने गाना सुनाया, मुझे लगा कि यार ये तो मेरा गाना है, एज इन के मैं खुद हूँ इसके अंदर, कि मैं गिले शिकवे भी कर रहा हूँ, मोहब्बत भी हुई है, दिल भी टूटा हुआ है। तो जो मैंने गाना सुना, मुझे लगा कि ये सेटिंग जो है कि यार एक बंदा वॉक कर रहा है, स्टारशाह धोखा हुआ है उसे, और वो दुनिया को बता रहा है, और कुछ लोग हैं जो जाग रहे हैं इस वक्त। एक विंडो की लाइट ऑन है, बाकी सब ऑफ है, रात के 2 बजे। उन लोगों की कहानी है। द आइडिया वॉज व्हेन वी वर क्रिएटिंग द सेट to create a space that is based on top of all the mohallas that we see in Pakistan. So it's not a Lahori mohalla, it's not a Karachi ka mohalla, it's a mohalla anywhere. So every corner is made with detail, with love. Amongst all the 18 rooms that we created on this set, this bookstore, as simple as it is, was my favorite spot. A lot goes into how we decide which book goes where and how to actually make it seem real. So we had to really become what we were setting up. The concept for the entire song was that how these people and these stories are almost like frames and they're paintings, and how it's a frame within a frame. So each image is the magic of 2 AM and the paintings that become 2 AM. Har kamre mein ek different story chal rahi hai, har kamre mein ek baat chal rahi hai. There are moments of tenderness, there are moments of love. We had 4 days. It was chaos, it was craziness. We had glass breaking because of the breezes. We had walls falling. But in the end, it just kind of all went up. Just time to represent through characters, through stories, it's all happening. With every frame that was made, one storyline, one thing, it merged like this. Scale is very big. बट अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें ना, तो ये लोगों की कहानी है। वही सादा लोग जो आप हर रोज़ गुजरते गुजरते गलियों में, खिड़कियों में देखते हैं, ये उनकी कहानी है और हम लोगों की कहानी है। ऑर्गेनिक नेचुरल रिलेटेबल सॉन्ग, तो जो कैरेक्टर्स उसमें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं उसमें, वो नेचुरल लाइफ से लिए हुए हैं ना, तो उसका मेकअप भी हैवी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वी कैप दैट फील टू इट।
because Tarsha has a distinct style and he likes things which are structured, so we got him all black look, Tarsha ka favorite color. But I tried to add these accessories and we got this thing made which I really love, to give him a little bit of character because all pain is a little boring. Zeeshan ke jo kapde hain wo bilkul hum logo ne organic aur badi soulful rakhi hai, unke aap galon mein gale mein bhi dekhoge, unka ring wo badi ek hamari cultural cheez ko depict kar rahi hai. हेलो सर, गिटार की तारें चाहिए, मिल जाएंगी? ऐसी एक असल में जगह बन जानी चाहिए कहीं पे, कि वो हमेशा के लिए हो, वहाँ लोग आए खुश हों, म्यूजिक बज रहा हो स्ट्रीट में, जगह जगह जैसे हमारे म्यूजिशियंस खड़े हुए हैं. तो खार पासे माइंड में ये चल रहा है कि सुबह होने वाली है, तो फिर गाने का नाम चेंज करना पड़ेगा. 2 AM की जगह 5 AM करना पड़ेगा ये सुबह. दूसरे लोगों की मेहनत देखी यहाँ पर, मतलब जब मुझे अपनी थकावट का एहसास हो रहा था तो मैं बाकी पूरी टीम के चेहरे देख रहा था कि वो स्माइल कर रहे हैं, वो सब भाग दौड़ कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी थकावट जो है ना वो बिल्कुल भूल जानी चाहिए. बहुत ज़्यादा ये जर्नी इटसेल्फ, ये जो पूरा प्रोसेस था ये लाजवाब था और ये ज़िंदगी भर की एक खूबसूरत मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी कि हाँ एक ऐसे प्रोजेक्ट में हमने एक ऐसा वक्त गुजारा था कि जो कभी भूला नहीं जा सकता. Tarsha sang that first word, I had goosebumps. I was ready to cry. I might just cry right now, I don't know. But like, you know, it just, it was magical. Sachche aashkaan di yaad vich shayari honi chahidi. Meri ek shayari ko jo maine kabhi likhi thi, itna bada bana diya sab logon ne milke. Ye cheeze dekhta hu to aise lagta hai ki shayad ye wo khwab hai jo maine kabhi dekha bhi nahi tha. और वो पूरा होने जा रहा है. अब ये शायरी सब लोग सुन रहे हैं, ये गाना सब लोग सुन रहे हैं, इतना ज्यादा वायरल हुआ. गाइस बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आप सबके साथ. मुझे लगा मैं जल्दी ही कर रहा हूँ तो संभाल लेंगे सारे. तो बहुत शुक्रिया आप सबका. क्या बात है, तूने बात करना नहीं छोड़नी, मैं ये कह रहा हूँ तूने कंटिन्यू करना है, म्यूजिक करना, गाने करना, सब चीजें करना, ये तेरा स्टार्ट है, दिखता रहे और जीता. थैंक यू. सो गाइज, ये था पूरा वीडियो कि ये गाना जो 2 AM गाना आया है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से, वो किस तरीके से बना है. और लिटरली एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मंच है कोक स्टूडियो का, जो मंच है, अगर आप इंडिया में देखो, बांग्लादेश में देखो, पाकिस्तान में देखो, तो ये ना रियल टैलेंट को आगे लेके आता है, गलियों से टैलेंट को आगे लेके आता है. और ढूंढता है हाँ. कि हमें कुछ नया करना है, हमें क्या करना है, हमें काम कहीं ना कहीं. और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जैसे कि स्टार्स आए जिन्होंने अपना वीडियो 2018 हाँ. में किसी सोशल मीडिया पे अपलोड किया होगा, तो उसको मतलब वो ढूंढ के लेके आए, वो उन्होंने एक शायरी ही करी थी तो उनको वो लेके, और इस शायरी पे इतना बड़ा उन्होंने पूरा ये गाना लिख दिया. और लिटरली इस गाने की बात में मतलब इस गाने की बात में थोड़ा बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करूंगा इस पूरे गाने के मतलब बनने के पीछे. जैसे कि ये सेट पूरा बनाया गया, 18 कमरों का ये पूरा सेट था, और जिस तरीके से इस पूरे सेट में जो इन्होंने डिटेलिंग करी है, मतलब वो ऐसे रियलिस्टिक लग रहा था कि हाँ ये सच में कोई जगह है इस तरह की और यहाँ पे इन्होंने शूटिंग करी है. बहुत ज्यादा कमाल, और इतना हार्डवर्क इन्होंने मेहनत करी है ना, वो हमें 2 AM गाने में भी दिखा है, इतना कमाल का उबर मैजिक ही क्रिएट किया है सीरियसली. और जैसा कि इस गाने के पीछे जो थॉट था कि बंदे के 2 AM मतलब रात को 2 बजे क्या दिमाग में चल रहा हो, मतलब क्या दिमाग में चल रहा होता है, वो इस गाने के थ्रू बताने की कोशिश की कि रात के 2 बजे के थॉट्स है सारे के सारे इस गाने के अंदर. और लिटरली
जिस तरीके से सब ने, पूरी टीम ने काम किया, जितने भी जो कोई क्या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, कोई क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था, जिस पूरी टीम, जो भी 2AM की पूरी टीम है, सबको हैट्स ऑफ। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने ये गाना बनाया और एक मतलब सीरियसली एक मैजिक क्रिएट किया है। और मतलब जो स्टूडियो का माहौल था ना, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव था। और लास्ट में आपने देखा स्टार शाह मतलब इमोशनल हो गए थे। उन्होंने बोला मेरी एक छोटी सी शायरी को मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मंच मुझे मिलेगा और ये छोटी सी शायरी एक इतना अच्छा कमाल का गाना बनेगी। मतलब ये होते हैं आर्टिस्ट। और इसी तरह से अगर काम चलता रहना तो बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट है जिन्हें पहचान नहीं मिली है, अभी वैसे उनको भी पहचान। हाँ, अगर देखा जाए तो स्टार शाह और जिसान को पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर मतलब आप वर्ल्ड बोल सकते हो, जहां जहां ये गाना सुना गया। जैसे कि इंडिया में ये बहुत ज्यादा ये गाना सुना गया है और इस गाने मतलब ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सीरियसली, और बहुत अच्छे व्यूज भी आ रखे हैं। तो इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कह सकते हो कि उनका जो नाम है वो हुआ है। हाँ, ये पॉपुलर हुआ है। और जिस तरह इस गाने के लिरिक्स बनाए गए, आप देखिए इसमें आपको धोखा भी दिखाया जा रहा है, इसमें आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत क्या होती है। तो दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन किया है, और जिस तरह से इन्होंने दोनों सिंगर का कॉम्बिनेशन किया है, जिशान और स्टार शाह, बहुत ही कमाल के। दोनों अलग जोनर के थे लेकिन दोनों ने साथ में इतना ज्यादा कमाल का काम किया। और दोनों की स्टोरीज बिल्कुल डिफरेंट थी। जहां से ये दोनों उठ के आए हैं, दोनों की स्टोरी बहुत डिफरेंट थी, लेकिन अब वो एक अच्छा खासा नाम बन चुका है। और उनको अब और भी ऐसी मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे, कि वो अपने करियर को और भी इसमें आगे लेके जाए, मतलब जाएंगे ही जाएंगे। और लिटरली ये गाना जब हमने सुना था तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया था, हमने उसके ऊपर रिएक्शन भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले वो रिएक्शन भी चेकआउट कर लीजिए। और लिटरली ये पूरा जो हमने इस गाने की जर्नी देखी है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच कि आप इतने बढ़िया बढ़िया गाने बना रहे हो और हम ये गाने सुन पा रहे हैं, और जो उसके पीछे जो मेहनत लगी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप ऐसे मेहनत कीजिए और हम ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल की बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।